अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्रास्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, मूव हिंदुस्तानी पंजाबी जुबान की रोमानवी ड्रामाई मूवी है जिसके हिदायतकार हैं जगदीप सिंधु। मूव फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है और वो 16 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, जबकि इसमें काम करने वाले फनकारों के नाम हैं सरगन मेहता, बतौर गौर काम कर रही हैं और ये इस मूवी में हीरोइन का किरदार अदा कर रही हैं। हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं गीताज बंद रखिया। इसका फिल्म में नाम है रब्बी। इसके अलावा जो इसमें काम करने वाले फनकार हैं अमृत अम्बी, प्रभिया बेशन, प्रकाश गुड्डू के अलावा और भी बहुत से अदाकार इसमें काम कर रहे हैं। गीताज बंद रखिया की ये पहली मूवी है, ये इस स्टोरी के मुताबिक बिल्कुल फिट है और बहुत अच्छा काम किया है इसने। गीताज ने बताया कि इसमें 100 से भी ज़्यादा मेरे सीन हैं, क्योंकि ये हीरो है और इसके बहुत अच्छे सीन हैं। इस मूवी का पहला गाना जिसमें सरगन मेहता और गीताज बंदरखिया की केमिस्ट्री की तारीफ की गई है। और इसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। सरगन मेहता इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और सरगन मेहता उर्दू बोलने वाली लड़की होती है। सरगन मेहता गीताज बंदरखिया से पंजाबी सीखेगी और गीताज बंदरखिया को सरगन से प्यार हो जाएगा, लेकिन सरगन मेहता उससे प्यार नहीं करेगी और वो हमेशा उसे समझाती रहेगी कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ। जिन्हें हाथ फड़न की हिम्मत नहीं होंगी ना, उन्होंने मुंडिया लगता है कुड़ी के दिल से दो शेर रखो, गल बन जूगी। जाप ते हाण दी लब, मैं कुड़ी नहीं औरत हाँ। और वो उसके प्यार ऐसा ऐसा उसके प्यार में पागल हो जाएगा और हद से ज़्यादा गुजर जाएगा, लेकिन सरगन मेहता उससे प्यार नहीं करती और हीरो का इसमें यक तरफा प्यार होगा। गीताज की शादी और लड़की से हो जाती है, लेकिन फिर भी सरगन मेहता से वो प्यार करता है और इसी में वो शराबी हो जाता है, नशा करते करते एक दिन जहर पी लेता है, उससे बच जाता है तो फिर गले में फंदा डाल के मरने की कोशिश करता है, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब मूवी रिलीज़ होगी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि हीरो को हीरोइन मिल सकती है या नहीं मिलती। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ये तो ट्रेलर में दिखाया गया है, मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है इसमें। और सरगन मेहता इसमें एक बहुत ही शरारती और लड़की बनेगी। तो गाइज, सरगन मेहता इसमें बहुत सारे रंग बदलेगी, कभी वो लड़कों से कार्ड्स खेल रही होगी, कभी वो नाचने गाने वाली होगी। असल में उर्दू बोलने वाली एक नाचने गाने वाली लड़की दिखाई गई है। कभी वो घर के काम कर रही होगी। हीरो और हीरोइन के घर के दरमियान में एक छोटी सी दीवार है और वो दोनों सिर खड़े होके एक दूसरे से शायरी सीखते हैं। हीरोइन हीरो से पंजाबी सीखती है और हीरो हीरोइन से उर्दू सीखता है। मैं थोड़ा तो उर्दू सीखना होना, तुसी मेरे तो पंजाबी। तेनू ना साडा दिल लवाना होंदा, आप दे आप नु खिलौना बना के सानू जवाक बना देना। इस मूवी के तमाम गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त गाने हैं। अब मूवी आएगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। जो मूवी देखने के शौकीन है वो ज़रूर मूवी देखने जाएं। 16 सितंबर को रिलीज़ हो रही है इंडिया में। इस मूवी की बहुत तारीफें सुनी हैं और ट्रेलर से भी ऐसे लगता है कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी। इसके 3-4 ट्रेलर जारी हो चुके हैं, अब देखेंगे कि मूवी कैसी है। मूवी की शूटिंग की कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं कि शूटिंग कैसे हुई थी। तो देखिए मूवी की शूटिंग की चंद झलकियाँ। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।